स्पेशल रिपोर्ट में अब भाई आपको दिखाते हैं लखनऊ गोलीकांड में क्या नया ट्विस्ट आया है। जी हां, सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी कर दिया और इस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो के बाद अब इस गोलीकांड में ये नया कैरेक्टर, उनकी पत्नी की एंट्री हो गई है। देखिए, मैं आयुष किशोर, जी हाँ सांसद पुत्र, मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए। पूरे घर के तो मैं पाल रहा था उसके, जब तक पाला, जब तक मैंने, मेरे पास पैसे थे, जब तक मैं कर पाया तब तक मैंने किया। जैसे हालात थे फिर हमने शादी कर ली और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सही था और एक दिन सिर्फ हमारी लड़ाई हुई थी। इतनी सी बातों से आपको बस ये अंदाजा लगा होगा कि ये ऐसे मियां बीवी की बातें हैं जो पहले तो साथ साथ थे लेकिन अब इनके रिश्तों में खटास घुल गई है। लेकिन इनकी कहानी तो ऐसी है जिसके आगे बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्में भी पानी भरे। इस कहानी में एक सांसद का बेटा है, उसकी बीवी है, उसका साला है और एक गोलीकांड है। जी हाँ, लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे के गोलीकांड में अचानक एक नया मोड़ तब आया जब उनके बेटे ने एक के बाद एक अपने 4 वीडियो जारी किए। आयुष पर आरोप है कि उसने अपने साले से खुद पर गोली चलवाई थी। आयुष ने वीडियो में इस पर अपनी सफाई दी। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं अपने, उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई, क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा, मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था। ये मामला 3 मार्च का है जब लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ लोगों ने बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चलाई है। कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब पुलिस को पता चला कि आयुष ने अपने साले से खुद पर गोली चलवाई थी। नहीं हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कारण तुमने खुद गोली मारी उनको। सांसद के बेटे आयुष ने अपने वीडियो में अपने साले के दावों से साफ साफ इनकार कर दिया। गोली मेरे पीछे से मारी गई, मैं नशे में था, गोली मुझे पीछे से मारी गई। अरे यार आप लोगों को नहीं पता, पीछे मेरा जो गोली का एंट्री पॉइंट है पीछे, मैं खुद को गोली क्यों मारूंगा यार। 3 मार्च को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद से ही आयुष गायब है। आयुष का दावा है कि अगर वो उस रोज घर में रहता तो उसकी हत्या हो जाती। आ रहा हूँ लखनऊ, आ रहा हूँ, मैं सरेंडर करूंगा, मैं जो करना हो आपको करिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने खुद को गोली नहीं मरवाई। यदि उस दिन मैं घर के अंदर रहता तो मेरी हत्या हो जाती। बाहर मैं गया, मैं मुझको खाने में नशा दिया गया था, 3 दिन लगातार मैं नशे में रहा। जब से मैं लखनऊ से बाहर निकला हूँ तब से मैं 3 दिन लगातार नशे में रहा। मैंने अपना इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, आज भी मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उस लड़की ने मुझे बना दिया है, पागल कर दिया है। सांसद के बेटे आयुष का ये सनसनीखेज वीडियो आने के बाद से ये केस पूरी तरह उलझ गया। इस केस में ताजा ताजा एंट्री हुई आयुष की पत्नी की। ये हमारी शादी एकदम नॉर्मल हुई, मतलब सब कुछ चल रहा था, बीच में सब कुछ सही था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी जब हमारी शादी होने वाली थी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी शादी, मुझे 3 साल चाहिए था क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे पढ़ना था, तो मैंने उसे बोला था मुझे 2 साल का टाइम दो उसके बाद। तो जैसे हालात थे फिर हमने शादी कर ली और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सही था और एक दिन सिर्फ हमारी लड़ाई हुई थी। इस कहानी में ड्रामा है, एक्शन है, ट्रेजेडी है, सस्पेंस है, फुल फैमिली ड्रामा है। सांसद के बेटे का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसके साले उनकी जान लेना चाहते थे। साले का आरोप है कि सांसद के बेटे ने ही खुद पर गोली चलवाई। बीवी कह रही है कि आयुष के घर वाले उसके दुश्मन हैं। घर वालों का कहना है कि वो लड़की धोखेबाज है। यानी कहानी में
ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहे हैं। सत्य मिश्रा, लखनऊ आज तक। ये कहानी पूरी फिल्मी है। कोरोना के संक्रमण काल में सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को प्यार हो गया। अच्छा, इश्क हुआ और उन्होंने शादी की जिद की, परिवार से रूठे, घर छोड़ा, हर हाल में शादी की। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही इश्क का बुखार उतर गया, झगड़े होने लगे। अब बहू की एंट्री हो गई है, यानी कौशल किशोर के बेटे आयुष की बीवी कह रही है कि उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो बहू का हक मांग रही है। देखिए, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, मेरे घर कुछ भी नहीं किया है। उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं आयुष किशोर, जी हाँ, सांसद पुत्र। सांसद कौशल किशोर के बेटे की पत्नी अंकिता सिंह को आखिर किससे जान का खतरा है और क्यों? क्यों वो कह रही है कि अगर जुबान खोल देगी तो कई लोगों की इज्जत मटिया मेट हो जाएगी? अब तक चुप रहो, जो चीजें नहीं मीडिया में बोलनी चाहिए मुझे आज बोलने पे लोग मजबूर करते जा रहे हैं। मैं बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बोलना चाहती मुझे मजबूर ना करें, वरना मैं बोलूंगी तो बहुत बदनामियां होंगी जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। मेरी इज्जत तो गई है, मुझे अब किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। पूरा मामला जानने के लिए हम चलते हैं फ्लैशबैक में। पिछले साल जब देश कोरोना की चपेट में था, तभी अंकिता और आयुष की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। परिवार वालों के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी कर ली थी। क्या बताऊं, मैंने अपने माँ बाप से लड़के उनको उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको सुसाइड की धमकी दी। उसके बाद वो इतना परेशान हो गए, उनको कोरोना में एडमिट हो गए, तब मैंने शादी करी। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 7-8 महीने बाद मोहब्बत की हवा निकल गई। मियां बीवी का बेइंतहा प्यार नफरत में तब्दील हो गया। आयुष का कहना है कि अंकिता पहले से ही शादीशुदा थी। कई बातें बनाई, मेरी शादी तय हुई थी, गोद भराई हुई थी, मैं भाग गई थी, मैं जबरदस्ती घर वाले कराए थे, मैंने नहीं करी थी, लेकिन एक्चुअल में शादी हो चुकी थी और शायद अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तो अब ये चीज मेरे सामने आ गई तो भाई मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई यार। इसके बाद तो दोनों में लड़ाइयां भी शुरू हो गई। हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर कई बार, मैं क्या किससे बताऊं यार, फैमिली वालों से मैं बता नहीं सकता, किसी से तो मैं बता नहीं सकता, मैं सह रहा था। आयुष और अंकिता का प्यार तो 8 महीने के भीतर डेंजरस इश्क में तब्दील हो गया। इश्क का फितूर उतर गया, रिश्ते इतने तल्ख हुए कि बात गोली कांड तक पहुंच गई। मतलब पता करो भाई उसके बारे में, शादियां 2 नहीं 3 शादियां कर रखी हैं उसने। मैं तो फंस गया ऐसे, अभी मुझको जेल भिजवा दोगे, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बात कोई और फंसेगा, किसी और सांसद का बेटा या किसी और विधायक का बेटा। मैंने अगर कोई गलती करी मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुष का वीडियो सामने आने के बाद उनके पक्ष में पूरा परिवार खड़ा हो गया है। क्या बताऊं, मैंने अपने माँ बाप से लड़के उनको उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको सुसाइड की धमकी दी। उसके बाद वो इतना परेशान हो गए, उनको कोरोना में एडमिट हो गए, तब मैंने शादी करी। आयुष को जब उस लड़की की जानकारी सच्चाई पता चलने लगी तो आयुष को लगने लगा कि शादी करके बहुत गलत फंस गया और उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया गया। उसने माता पिता की बात ना मानकर उसको लगने लगा कि मैं बहुत उसमें फंस गया। उस दिन उसके साथ में जो घटना हुई है गोलीकांड, वो अगर जो घर से ना निकलता तो उसकी ये तय था कि उसकी हत्या हो जाती। कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। आयुष के साले ने अपने बयान में जिस चंदन गुप्ता को फंसाने की साजिश की बात कही थी, उसका भी वीडियो सामने आ गया है। चंदन गुप्ता का दावा है कि सांसद के बेटे होने का रौब दिखाकर उसने आयुष से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। मुझसे 4,70,000 रुपए लिया गाड़ी लेने के नाम पर, और 53,000 का एक आईफोन इन्होंने लिया मुझसे, जो कि जिसके कागज मेरे नाम है और मेरे पास सभी साक्ष्य हैं कि उन्होंने 4,70,000 रुपए लिया मुझसे
और पैसा लेने के बाद ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम करा ली, उसके भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। और उसके बाद में जब मैंने इनसे अपने पैसे की बात करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लखनऊ के गोलीकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय और भी उलझ गई है। इस गोलीकांड से बड़ा रहस्य का जाल तो आयुष से जुड़े रिश्तों पर पड़ा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लड़की को पता था कि एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं आयुष, उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करी, पर जब कौशल किशोर ने मना किया तो उसके बाद ये घटनाएं, जब पैसा खत्म हुआ आयुष के पास तो ये घटनाएं एक के बाद एक घटित होनी शुरू हुई। हालांकि अपील यहां पे करी है फैमिली ने कि आयुष आए और सरेंडर करें, जैसा कि उन्होंने वीडियो में कहा है, और सच सामने आ सके। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक के लिए।